नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आग ने खाक किया गरीब का आशियाना। सिओहारा। एक कहावत है कि गरीब इंसान को सो दुख ज्यादा मिलते हैं। ऐसा ही एक मामला हुआ है क्षेत्र के ग्राम गल्ला खेड़ी निवासी सविता पत्नी कैलाश सिंह के साथ, जिनका परिवार बेहद गरीबी और बदहाली में जीवन गुजार रहा था। लेकिन आज सुबह 4 बजे एक और मुसीबतों का पहाड़ उन पार जब टूट गया, जब अज्ञात कारणों से उनके कच्चे छप्पर में भीषण आग लग गई, जिस कारण मकान का छप्पर, रजाई, गद्दे, खाने पीने का सामान और बकरी व उसके बच्चे जलकर खाक हो गए। बामुश्किल आग को बुझाया गया, लेकिन तब पूरा परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गया है। समस्त पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? सविता। कहाँ के निवासी हो? ग्राम गल्ला खेड़ी। क्या मामला हुआ आज? आज ही आग लग गई। किस समय? सुबह 4 बजे। बताओ क्या क्या मामला हुआ, क्या कितना कितना नुकसान हुआ बताओ ना। बकरी की ब्याई थी तो उसके बच्चे जल गए। अच्छा। रजाई जल गई, खाट जल गई, जो रहने का सामान था हमारा वो जल गया। इसी छप्पर में रहते हैं हम तो बहुत। अच्छा, काफी दिनों से। खाने पीने का सामान? खाने पीने का सामान वो सब इसी में रखा हुआ था। अच्छा। गेहूं चावल। अब खाने के भी लल्ले हैं? हाँ, तो खाने के लल्ले हैं। गरीबी में मकान तो बना ना पा सकी। अब ना लोडियो ने कर लिया था थोड़ा बहुत, 1 आध क्विंटल तो वो भी बचा रखा था कि मौसम खराब हो जा तो वो भी जल गया। अब क्या करूंगी, कैसा करूंगी, कहाँ से पन्नी डालूंगी और कहाँ से कहूँगी मैं। आप 3 लड़की है मेरे पास, जमाने एक लड़का। कोई सहारा नहीं, मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं और क्या सहारा।